हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर पुलाव, रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर पुलाव। यह 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए बनाते हैं टेस्टी और डिलीशियस मटर पनीर पुलाव। इसके लिए पैन में हम 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए, हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे, जिससे कि प्याज का कच्चापन चला जाए। जैसे ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने लगे, हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मिक्स करेंगे कुछ सेकंड के लिए। अदरक और लहसुन को भी प्याज के साथ भून लेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए। प्याज का कलर हल्का सा पिंक होते ही हम इसमें अपने बॉईल किए हुए मटर डाल देंगे। भगोने में पानी डालकर मटर में थोड़ा सा नमक और चीनी डालकर बॉईल कर लें, जिससे कि मटर हमारे फटते नहीं हैं। इसके बाद हम इसमें बॉइल्ड राइस डाल देंगे। बॉइल्ड राइस की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस तरह से राइस को बॉइल करने से आपका पुलाव एकदम खिला खिला बनेगा। राइस को बॉइल करते समय मैंने नमक और एक तेज पत्ता डाल दिया था, इसीलिए मैंने तड़के में तेज पत्ते का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 100 ग्राम पनीर को काट कर डाल देंगे। पनीर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये मैंने 1.5 कप चावल को बॉइल किया हुआ है। काली मिर्च पाउडर डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल कितना बढ़िया मटर पनीर पुलाव हमारा रेडी है। आप भी इस स्टाइल से एक बार मटर पनीर पुलाव को बना लेंगे तो बार बार जरूर बनाएंगे। मटर पनीर पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।